सक्रिय राजनीति के क्षेत्र में आने से पहले मुझे अनेक वर्षों तक होटल इंडस्ट्री के साथ में काम करने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मिला और पिछले लगभग डेढ़ दशक की इस राजनीतिक सफर के बाद में आज जब मैं इस IIT के एक्सपो में आया और एक्सपो में आकर के जब मैं गेट से आप सबके बीच तक पहुंचा तो मुझे वो अपने पुराने दिन तो याद आए, लेकिन साथ साथ में मेरा मन राकेश कुमार जी को और इस आयोजन के पीछे साथ में जुड़े हुए सारे लोगों को धन्यवाद देने का था कि एक होटल बनाने के लिए और होटल चलाने के लिए IIT होने से पहले या इस तरह के आयोजन देश में किए जाने से पहले एक होटल बनाने और चलाने वाले को कितना परिश्रम करना था होता था, जो आज इस IIT के इस आयोजन के कारण से वो परिश्रम शायद उनके जीवन से निकल गया हो, वरना एक होटल बनाने के लिए शायद 10-12 चक्कर चीन के न काटने पड़े तब तक वो होटल पूरा हो नहीं पाता था। होटल बनाने वाले के उस प्रक्रिया से चाइना को बाहर निकाल करके आपने निश्चित रूप से होटल इंडस्ट्री की बहुत बड़ी सेवा की है। मैं हृदय पूर्वक आप सबको इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनी है और सरकार बनने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर विच इज अ पैशन फॉर मी और जे हो उनके भी दिल के सबसे करीब है ये काम उन्होंने मुझे सौंपा है। अब तक के कामकाज के अनुभव से और जो मेरा पुराना इस टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के साथ में नाता रहा है और क्योंकि मैं राजस्थान प्रदेश का निवासी होने के नाते जैसलमेर जो टूरिज्म का एक बहुत बड़ा आइकॉनिक जगह है वहाँ मेरी जन्मस्थली होने के नाते, जोधपुर और जैसलमेर का रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते मैं पूरे विश्वास के साथ में एक बात कह सकता हूँ कि इस क्षेत्र में भारत में असीम 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 संभावनाएं हैं और जिस तरह से एक तरफ भारत आर्थिक दृष्टिकोण से प्रगति कर रहा है, भारत की पहचान पूरे विश्व में नए सिरे से बन रही है, विभिन्न वैश्विक प्लेटफॉर्म्स पर भारत की शक्ति का प्रादुर्भाव हो रहा है, इवोल्यूशन ऑफ पावर ऑफ इंडिया, G20 के जैसे आयोजन सफल आयोजन और अभी हाल ही में हुए सरकार ने बनने के बाद में निर्णय करके केवल 40 दिन के कालखंड में वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग जिसमें दुनिया भर के लगभग 170 देशों के 2500 से ज्यादा प्रतिनिधि 11 दिन के लिए आए थे, ऐसे वैश्विक स्तर के आयोजनों का क्रम भारत में प्रारंभ हुआ है। इन सब के चलते हुए भारत के प्रति देखने का नजरिया पूरे विश्व भर का परिवर्तित हुआ है और भारत एक बार फिर विश्व के नगर निगाहों में एक नए आकर्षण के केंद्र के रूप में उभरने लगा है। वहीं दूसरी तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश ने आर्थिक दृष्टिकोण से प्रगति की है, लगातार चौथे साल हम दुनिया के सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बने, भारत का मध्यम वर्ग, भारत का लोअर मिडिल क्लास और एस्पायरिंग क्लास, इन तीनों की डिस्पेंसिबल इनकम जिस तरह से बढ़ी है, पर कैपिटा इनकम जिस तरह से पिछले 10 साल में दुगनी से ज्यादा हुई है, इन सब के चलते हुए भारत में टूरिज्म की अपार संभावनाएं। एक तरफ भारतीय जो अपने घर से बाहर निकल करके हमारी एस्पायरिंग क्लास घर से बाहर निकलने लगी है और दूसरी तरफ दुनिया भर के लोग भी भारत की तरफ आकर्षित होकर के भारत में आए और मैं ये मानता हूं कि आने वाले समय में जो भारत की इकोनॉमी जिसको हम 3 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन तक ले जाने की बात करते हैं या 5वीं अर्थव्यवस्था से 3री अर्थव्यवस्था बनाने की
थर्ड लार्जेस्ट ग्लोबल इकोनॉमी बनाने की बात करते हैं, उसमें अनेक सेक्टर्स हो सकते हैं जो सेक्टर उसके ड्राइवर होंगे, लेकिन मैं ये मानता हूं कि टूरिज्म हैज ऑल द पोटेंशियल सो विच कैन ड्राइव द इंडियन इकोनॉमी टू बिकम अ थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड।